भारत में लोग अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग से संबंधित समस्याएं आती हैं, क्योंकि भारत में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने का अपना मन बदल देते हैं। इस समस्या को कम करने के लिए टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड ने हरियाणा के गुरुग्राम शहर में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत का सबसे बड़ा चार पहिया वाहनों के लिए भी चार्जिंग स्टेशन विकसित किया है, जिसमें एक बार में 100 गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं। इससे पहले देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में था, जिसमें लगभग एक बार में 20 गाड़ियां चार्ज हो सकती थी। कंपनी द्वारा बयान में कहा गया है कि यह ईवी चार्जिंग स्टेशन न केवल क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा देगा, बल्कि भविष्य में देश भर में बड़े ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए भी एक बेंचमार्क के रूप में भी काम करेगा। सरकार ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि चार्जिंग स्टेशन न सिर्फ देश में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर रहे लोगों के चार्जिंग समस्याओं को दूर करेगा, बल्कि भविष्य में लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।